ओके सो गाइज, अभी आप लोग जिस वाली वीडियो को प्रीव्यू पे देख रहे हो गाइज, इस टाइम पर ना कुछ इस टाइप की जो वीडियो है इंस्टाग्राम के अंदर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। तो गाइज, अगर आप भी कुछ इस टाइप की वीडियो को एडिट करना चाहते हो तो इस वाली वीडियो को आप लोग शुरू से लेके पूरा लास्ट तक देखना। इस वीडियो के अंदर गाइज मैं आपको बताऊंगा आखिर कैसे आप लोग कुछ इस टाइप की वीडियो को एडिट कर सकते हो, वो भी काफी कम टाइम में। तो वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहना। तो चलिए गाइज, हम चलते हैं अपने फोन की स्क्रीन पर और बिना किसी देरी के अपने वीडियो एडिटिंग को सीखते हैं। ऑलराइट गाइज, तो जैसे कि यहाँ पर देख तो मैं आ चुका हूँ अपने फोन के स्क्रीन पर और यहाँ पर गाइज मैंने जो है अपना लाइट मोशन ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 रेशियो सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का सॉलिड बैकग्राउंड सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना होगा। एंड जैसे गाइज आप लोग इतना कर लेते हो, अभी सिंपल से आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और गाइज यहाँ पर आप लोगों को ना यहाँ पर मिलेगा ऑडियो का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ से आप उस ऑडियो को सिलेक्ट कर लेना अपने फाइल के अंदर से जिस ऑडियो पर आप अपनी वीडियो को एडिट करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी वीडियो से ऑडियो लेना चाहते हो तो उस वीडियो को यहां पर ऐड करना। जैसे कि यहां पर प्रीव्यू वाली वीडियो का मैं यहां पर सॉन्ग लूंगा, तो यहां पर मैंने उस वीडियो को ऐड कर दिया। वीडियो को ऐड करने के बाद वीडियो पे क्लिक करना, सबसे ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके इसको यहां पर एक्सट्रैक्ट ऑडियो का एक ऑप्शन मिलेगा, एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना। एंड इतना जैसे ही हो जाता है अभी आपको सिंपली से वीडियो पे क्लिक करना है, वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को डिलीट कर देना है। अब यहां पर देख सकते हो केवल हमारा यहां पर सॉन्ग रह चुका है। सो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है और गाइज आप लोगों को मैं अपने टेलीग्राम पर ये वाला फील द सॉन्ग का जो टेम्पलेट है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पर। वैसे इसको कैसे क्रिएट करना है इसके बारे में मैंने 2-3 दिन पहले ही वीडियो बनाया था, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा, अगर आप स्टार्टिंग से क्रिएट करना चाहते हो तो जाके देख सकते हो, इसका ट्यूटोरियल मैंने दिया है, ठीक है, कैसे इस टाइप का टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं बार बार सेम चीज नहीं बताऊंगा, यहाँ पर डायरेक्ट टेम्पलेट ऐड कर लेना। हाँ, काफी सारे लोग ये कहेंगे अगर हम अदर सॉन्ग पर वीडियो बना रहे और मान लो हमारा यहां से सॉन्ग स्टार्ट है तो क्या करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सा चीज है, यहां पे क्लिक करना, यहां पर आपको एक घड़ी का आइकन दिखेगा, इस पे क्लिक करके यहां तक खींच देना, ठीक है। तो देखो यहां तक हो चुका आपका, ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। सो अभी यहां पर देखो हमारा 2:15 तक है हमारा ये टेम्पलेट, तो 2:15 तक रहते हैं। अब प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके मीडिया पर जाएंगे और फर्स्ट फोटो आप सेलेक्ट कर लेना जो आप फोटो यूज कर रहे हो, ठीक है। उससे पहले गाइस यहां पर सबसे पहले तो मैं बैक करता हूं, उससे पहले क्या करना ना, यहां पर मान लो 2:15 पे एक बीट लगा लेते हैं चलो, क्योंकि हमारा टेम्पलेट यहां तक है, और म्यूजिक को यहां से प्ले करके सुनना और अगला जो लाइन बोल रहा है वो है हमारा राइट 5 सेकंड में, ठीक है। तो यहां पर हम 5 सेकंड में एक बीट लगा देते हैं। अब इसके आगे का जो लाइन है वो है 7:15 पे, तो 7:15 पे एक बीट लगा देते हैं कुछ इस टाइप से। एंड इसके आगे का जो बीट है वो है हमारा राइट 10 सेकंड पे, तो 10 सेकंड पे एक बीट लगा देते हैं, और भी आगे लगा लेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी यहां पर मैंने 2-3 बीट लगा लिया है, ठीक है, पहले हम इधर का काम कर लेते हैं फिर आगे देखेंगे, ठीक है। सो इतना जैसे ही हो जाता है अब आपको स्टार्टिंग में आ जाना है बोले तो अपने टेम्पलेट के एंड वाले पार्ट पे। अभी सिंपल से आपको क्या करना है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके मीडिया पर जाना। अब यहां से आपको अपना फोटो सेलेक्ट करना है, फोटो सेलेक्ट करने के बाद अपने फर्स्ट फोटो को फर्स्ट बीट तक ही रखना कुछ इस टाइप से। अभी इस फोटो को आपको फुल स्क्रीन पे ऐड करना होगा, तो फुल स्क्रीन पे ऐड करने के लिए फोटो पे क्लिक करना, सबसे ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके यहां पर आपको मिलेगा फिल कंपोजिशन एरिया, सिंपली से इस पे क्लिक कर देना। करने के बाद देखो आपका फोटो कुछ ऐसा दिखेगा। सो अभी फोटो पे क्लिक करना, यहां पर आपको मिलेगा ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी, यहां पर आके इसकी जो यहां पर ओपेसिटी है गाइस इसको आप 35% रख के यहां से सिंपली से बैक कर देना, ठीक है। तो देखो इसका ब्राइटनेस कम हो जाएगा फोटो का। सो स्टार्टिंग में आ जाना है, अब यहां पर हमारा मेन काम होगा। सो अभी आपको क्या करना है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना, इससे पहले ना गाइस इसको हाइड कर देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये हमको डिस्टर्ब करेगा, यहां पर जो लिखा हुआ आ रहा है तो इसको हम हाइड कर देंगे, ठीक है। सो आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, एक शेप कुछ इस टाइप का सेलेक्ट कर लेंगे। शेप सेलेक्ट करने के बाद यहां पर एडिट ग्रुप पर आके रेडियस को पूरा 0 कर देंगे। अभी हम बैक करते हैं, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आके यहां पे क्लिक करेंगे रोटेशन वाले ऑप्शन पे, और इसको ना प्लस की तरफ ले जाना या माइनस की तरफ ले जाना, बात वही है। इसको हम कर देते हैं प्लस 40%, ठीक है। सो अभी हम यहां से इसको सेंटर मिला देते हैं, तो थोड़ा सा और इसको रोटेट करते हैं, इसको कर देते हैं 45%। एंड अब हम अपना सेंटर मिलाते हैं तो बिल्कुल सेंटर में है, देख सकते हो। देखो तीनों लाइन जो चारों लाइन है उसके कॉर्नर जो है बॉक्स के वो पूरे सेट है, ठीक है, तो हमारा बिल्कुल सेंटर।
सेंटर में। सो अब इतना करने के बाद बैक करेंगे, कलर एंड फिल पर जाके इसका कलर जो है इसको हम व्हाइट में कन्वर्ट करके बैक करेंगे। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसका साइज इंक्रीज करेंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है, कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर दिए हैं। अभी जो इसका लेंथ है आपको इसको अपने बीट तक रखना है, फिर स्टार्टिंग में आना है। अब आपको फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके मीडिया पर जाना है और ये वाला जो हार्ट शेप है ये हार्ट शेप का पीएनजी मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसको ऐड करना और इसको भी बीच सेंटर में रखना, ठीक है, कुछ इस टाइप से जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो सेंटर में कर देना, ठीक है। इसकी भी जो लेंथ है वीडियो के एंड तक रखना, एंड वीडियो के एंड तक नहीं मतलब अपने फर्स्ट बीट तक रखना। सो जैसे इतना हो जाता है आपका तो अभी आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाना और सेम फोटो को फिर से यहाँ पर एक बार सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद इसका भी जो लेंथ है बीट तक रखना, अभी इसका जो साइज है इसको छोटा करना कुछ इस टाइप से और जहां तक आपका ये हार्ट है उसके बाहर ही रखना। एंड इतना करने के बाद अभी आपको फोटो वाले लेयर को पकड़ के अपने हार्ट वाले शेप के नीचे लेकर आना है। अब इन दोनों को सेलेक्ट करना है, फोटो और हार्ट शेप को, और यहां पर आपको मिलेगा ग्रुप। एक बार बैक करके फिर से दिखाता हूं, समझे नहीं होंगे, बैक करता हूं। हाँ, तो इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं और यहां पर आपको ग्रुप एज मास्क का एक ऑप्शन मिलेगा बीच वाला, ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देना। तो देखो ये शेप के अंदर हो जाएगा हमारा फोटो, ठीक है। सो इतना हो चुका है। अगर आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना चाहते हो फोटो पे तो यहां पे क्लिक करके एडिट ग्रुप पर आके यहां पर फोटो पे क्लिक करके आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, आप अपने हिसाब से बोले तो सेट कर सकते हो यहां से, ठीक है। तो मेरे को बढ़िया लग रहा है, मैं कुछ नहीं छेड़छाड़ करूंगा यहां पे, ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लेना। सो इतना करने के बाद फिर से हम स्टार्टिंग वाले बीट पे आएंगे, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहां पर टेक्स्ट पर जाएंगे। टेक्स्ट पर जाने के बाद यहां पर जो भी पीएनजी ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, यहां पर बटरफ्लाई वाला रहा तो मैं बटरफ्लाई ऐड करता हूं। रोबोटो रेगुलर पे जाके यहां पर आईएसओ वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे और यहां पे कलर पे जाके ये वाला हम इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे, ठीक है, ओके करेंगे। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसकी साइज इंक्रीज करेंगे और कुछ इतना करेंगे और इसको हम यहां पे कुछ इस टाइप से रख देंगे, ठीक है। इसकी भी जो लेंथ है बीट तक रखेंगे। अब इसका क्या करेंगे, इस पे क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट लेंगे, डुप्लीकेट को पकड़ के साइड में इसके इस साइड करेंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप से। और यहां पे अगर आप इमोजी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो सेम भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं कर ही लेता हूं, यहां पर मैं ये हार्ट वाला दे देता हूं, ठीक है, कुछ इस टाइप से ओके करूंगा। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आके थोड़ा सा छोटा करूंगा इसको मैं, ठीक है, और अच्छे से इसको हम सेट कर देते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। सो इतना करने के बाद देखो इतना हमारा काम हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि सिंपली से ना यहां पर आपको फोटो को छोड़, सबसे नीचे वाला जो फोटो है उसको छोड़ के बॉक्स वाले एक आइकन, मतलब बॉक्स वाला जो आप लोगों ने शेप लिया था इसके ऊपर जितने भी आपके लेयर्स हैं इन सारे लेयर्स को सिलेक्ट करके यहां पर आपको इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर देना होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा बन जाएगा, यहां पर अभी आप लोग देख सकते हो। सो इतना जैसे हो जाए, अब आपको अपना लिरिक्स लिखना है, तो लिरिक्स लिखने के लिए प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना, टेक्स्ट पर जाना और जो भी आपका लिरिक्स है वो लिखना, ठीक है। तो यहां पर बोला लखा तो जुदा मैं होया ऐसा करके, ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं लखा, ठीक है, कुछ इस टाइप से, तो ऐसे जुदा कुछ इस टाइप से, ठीक है, जुदा मैंने लिख दिया यहां पर, और यहां पर मैं लिख देता हूं मैं कुछ इस टाइप से, ठीक है, होया कुछ इस टाइप से मैं लिख दूंगा, ठीक है, लखा तो जुदा मैं होया कुछ इस तरीके से लिख दूंगा। साइज पे आके साइज छोटा करूंगा कुछ इस टाइप से। रोबोटो रेगुलर पे आके यहां पर जो फॉन्ट यूज कर रहा हूं साउल सिग्नेचर, ठीक है, तो ये वाला आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा ये वाला फॉन्ट, तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इसको ऐड करके यहां पर यूज कर लेना। अभी क्या करना है, इसकी जो साइज है इंक्रीज करना कुछ इस टाइप से, इंक्रीज करने के बाद इसको यहाँ पर भी यहाँ पे सेट कर देना, ठीक है। अब बैक करना, इसका जो भी कलर रखना चाहते हो रख लेना, मैं येलो रख देता हूँ मेरे को सही लग रहा है। इसका जो लेंथ है बीट तक रखेंगे। सो इतना करने के बाद इसका थोड़ा और इस साइज इंक्रीज कर देता हूँ कुछ इस टाइप से, ठीक है। हाँ, अब हमको इसमें एनिमेशन देना है, तो सबसे पहले हम अपने लिरिक्स में एनिमेशन देंगे, फिर हम फोटो में एनिमेशन देंगे, ठीक है। तो लिरिक्स में एनिमेशन देने के लिए लिरिक्स वाले लेयर पे क्लिक करेंगे और अभी इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, एड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। और गाइज मैं यहाँ पर पहले बता दे रहा हूँ, फोटो का एनिमेशन सेम होगा, लिरिक्स का एनिमेशन थोड़ा अलग होगा, ठीक है, यहां पर मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। सो अभी आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहां पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके हमेशा स्टैंडर्ड सेटिंग पे हम जाके एनिमेशन देते हैं अपना। आज हम देंगे वेव राइट वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना और यहां पर रेंज पे क्लिक करना, एक की लगा देना यहां पे, ठीक है, एंड वाले पार्ट पे चलना कुछ इस टाइप से और बीट के एक पहले, मतलब आपका जो बीट है उससे पहले थोड़ा आना और यहां पर स्टार्ट का जो पॉइंट है पूरा 100 कर देना। ट्रांसफॉर्म पे आना, लेटर पे जाना और इसको वर्ड करके सिंपली से यहां पर कंपोनेंट इसको कर देना और नीचे आके अल्फा को -1, ठीक है। सो यहां पर देखो कुछ इस टाइप से आपका ये देख सकते हो एनिमेशन बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। इतना करने के बाद देखो हमारे लिरिक्स में एनिमेशन बन चुका है। सो अब आपको क्या करना है, अपने फोटो में एनिमेशन देना है। तो फोटो में एनिमेशन देने के लिए ग्रुप वाले लेयर पे क्लिक करना, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना और अभी आपको स्टार्टिंग में एक की लगा देना होगा और एक की लगा देना होगा सबसे लास्ट में और एक की लगाना होगा गाइज आपको बीच सेंटर में, ठीक है। तो बीच सेंटर में एक की लगा देते हैं, यहां पर 3:25 में हमारा बीच सेंटर, तो 3:25 में हम बीट लगा देते हैं, ठीक है। सो अभी
स्टार्टिंग वाले यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, बीट पे। और अभी हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस टाइप से नीचे लेकर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको इसको नीचे लेकर जाना है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। इसको पूरा नीचे ले जाकर इसको हाइड कर देना, ये कुछ इतना। अब आगे जाओगे तो देखो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये बीच वाला आपको नहीं छेड़ना, सबसे लास्ट में आना। अब इसको पकड़ के ऊपर की तरफ पूरा हाइड कर देना, ठीक है। ये जो रेड लाइन दिख रहा है ना, इसी के लाइन में जाना बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। अब इसको यहाँ कर देते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, कुछ इस टाइप से ग्राफ दे देते हैं, एंड आगे वाले में भी आएंगे और कुछ इस टाइप से इसका कर्व ग्राफ जो भी है दे देंगे, ठीक है। सो अभी देखो ये कुछ इस तरीके से आपका बन गया, ये देख सकते हो, ठीक है। हाँ, एक चीज और आप लोगों ने देखा होगा, बीच में रहता है ना, तो एक मतलब शैडो इफेक्ट है, जिसको हम बोलते हैं गोस्ट इफेक्ट, ठीक है। तो उस इफेक्ट को डालने में ना यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तो उस इफेक्ट को मैंने नहीं डाला। अगर आप डालना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ कैसे डालना है। इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट ले लेना। डुप्लीकेट लेने के बाद सो थोड़ा सा बीच वाला जो बीट है ना, इसके स्टार्टिंग में आना और यहाँ पे क्लिक करना। करने के बाद अभी आपको ब्लेंडिंग एंड ओपो पे आना है, यहाँ पे एक की लगाना है और एक की लगा देना है आपको बीच सेंटर में, जहाँ पे की है ना, यहाँ पे। इससे पहले क्या करना, जो स्टार्टिंग में अभी आप लोगों ने की लगाया, यहाँ पर आके इसका जो ब्राइटनेस है इसको कर देना आप लोग ओपेसिटी, ब्राइटनेस नहीं ओपेसिटी है, ठीक है, इसको कर देना 50%, ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब इसको सेंटर में जाना अपना बीच वाला जो है, और इसको कर देना पूरा जीरो, ठीक है। अब आना पूरा बैक, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना, अब यहाँ पर बीट पे आना, ठीक है, जो अभी आप लोगों ने स्टार्टिंग में लगाया। अभी आपको यहाँ पे आना होगा और यहाँ पे एक की लगाना है, यहाँ पे भी एक की लगा के इसको कुछ इस तरीके से बड़ा करना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। ये उतना खास लग नहीं रहा था यहाँ पर डालने के बाद, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं किया, ठीक है। बाकी देखो ज़्यादा थोड़ा सा और मेरे को शैडो छोड़ना रहा, बाकी मैं बहुत ज़्यादा ही कम कर दिया। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा और इसको हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। अरे यार, हमको सेंटर पर लगाना है कि यहाँ पर, ठीक है। अरे यार, यहाँ पे आके हाँ और बड़ा कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब हम क्या करेंगे, कर्व पे जाएंगे और कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे कर्व दे देंगे, ठीक है। सो अभी अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये देख सकते हो, ठीक है। देखो उतना खास लग नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बीच सेंटर पे हो ही नहीं रहा है, मैं बहुत ट्राई किया। चलो कोई बात नहीं, अगर ये चीज़ आप डालना चाहते हो तो थोड़ा एफर्ट डाल के कर सकते हो, बट इसको मैं नहीं रखूंगा, मेरे को सही नहीं लग रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैंने बता दिया कैसे करना है। सो इतना करने के बाद यहाँ पर हमारा फर्स्ट फोटो का काम हो गया, मतलब स्टार्टिंग वाला जो हमारा यहाँ पे था उसका काम हो गया। अब फोटो के साथ इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर जाके इसको कॉपी थ्री लेयर करना है, यहाँ पर आके इसको पेस्ट करना है, ठीक है। इसको हम कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अभी हम जो हम हाइड किए थे इसको टेम्पलेट को इसको ओपन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा ये। सो इतना करने के बाद अब आगे कैसे करना है, आपको ग्रुप वाले लेयर पे सबसे पहले क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पर आना है, इसके अंदर एक और ग्रुप है, इस पर क्लिक करके फिर से ग्रुप पे आना। बाहर से अगर पक्षियों की आवाज़ें आ रही है तो सॉरी, क्योंकि आज मैं सुबह सुबह वीडियो शूट कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। सो इतना करने के बाद अभी आपको फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पर कलर एंड फिल पर आना है, यहाँ पर आ जाना है, इस इमेज वाला जो स्टार वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आना है, आपका सेकंड फोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल, अब बस आपको जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आगे भी सेम तरीके से ऐसे ही करते जाना है, बैक करना, इमोजी वगैरह चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपका जो मेन फोटो है नीचे बैकग्राउंड का, इस पर क्लिक करना। अब कलर एंड फिल पर यहाँ पे भी जाना और यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पर जो फोटो सेलेक्ट किया हो फ्रेम में सेम फोटो यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और बस यहाँ पर देखो ये आपका फोटो का काम हो चुका। सो लिरिक्स पे भी क्लिक करना, एडिट टेक्स्ट पर जाना, इस पर कट करना इसको पूरा, और जो आपका आगे का लिरिक्स है वो लिखना, तो तेरी खातिर ऐसा करके, ठीक है, खातिर कुछ इस टाइप से मैं लिख लेता हूँ। और इसको यहाँ से ओके करके इसको हम कर लेते हैं सेंटर में, ठीक है, कुछ इस टाइप से। साइज बड़ा करना चाहो कर सकते हो, ठीक है, कुछ इस टाइप से। बैक करेंगे, कलर अगर दूसरा देना चाहो, चलो मैं रेड दे देता हूँ, ठीक है, तो कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी हमारा काम हो चुका है, यहाँ पर अगर मैं प्ले करके दिखाऊं तो ये देख सकते हो, ठीक है, कुछ इस टाइप से। सो आगे भी सेम तरीके से करना है, इसमें क्लिक करना है और यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको कॉपी थ्री लेयर करके इसको यहाँ पर क्या करना, पेस्ट करना है, ठीक है, पेस्ट कर देना। एंड फिर सेम तरीके से, जैसे कि अभी मैंने बताया, सेम तरीके से आपको करते जाना है और म्यूजिक को सुन के आप अपना बीट लगा लेना, फोटो चेंज करते जाना है, अपने बैकग्राउंड का फोटो चेंज करते जाना है और अपना लिरिक्स चेंज करते जाना है, और बस आप ऐसे करते करते पूरा खत्म कर देना, आपकी जो वीडियो एडिटिंग है वो कंप्लीटली रेडी हो जाएगी, ठीक है। और बस इसी तरीके से आपको कुछ इस टाइप की वीडियो को एडिट करना है, बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा वेव इफेक्ट हम यहाँ पर क्रिएट नहीं कर पाए, सॉरी वेव नहीं, गोस्ट वाला जो इफेक्ट था वो यहाँ पर हम क्रिएट नहीं कर पाए। चलो कोई बात नहीं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा और अच्छे से रिसर्च करूंगा। बाकी यहाँ पर मैंने बता दिया है सेम तरीके से कैसे इस टाइप की वीडियो को एडिट करना है। अगर आपको इस वीडियो को एडिट करने में कोई भी दिक्कत या कोई परेशानी आए तो आप बिंदास भाई मेरे को कॉमेंट करके जरूर से बताना, आपके कॉमेंट का रिप्लाई मैं जरूर से करूँगा।
दूंगा। सो जैसे ही आपकी एडिटिंग वगैरह कंप्लीट हो जाती है, अभी मैं इसको बैक करता हूँ और इस वाले एरो पे क्लिक करके, एक्सपोर्ट पे क्लिक करके इस वीडियो को गाइज अपनी गैलरी के अंदर सेव कर लेता हूँ। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर से बताना, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करना।